गवार युवेद। धन्वंतरी कहते हैं, सुश्रुत, राजा को गौओं और ब्राह्मणों का पालन करना चाहिए। अब मैं गोशांति का वर्णन करता हूँ। गौएं पवित्र एवं मंगलमयी हैं। गौओं में संपूर्ण लोक प्रतिष्ठित हैं। गौओं का गोबर और मूत्र अलक्ष्मी दरिद्रता के नाश का सर्वोत्तम साधन है। उनके शरीर को खुजलाना, सिंगों को सहलाना और उनको जल पिलाना भी अलक्ष्मी का निवारण करने वाला है। गोमूत्र, गोबर, गोदुग्ध, दधि, धृत और कुशोदक, ये षडंग पंचगव्य पीने के लिए उत्कृष्ट वस्तु तथा दुस्वप्नों आदि का निवारण करने वाला है। गोरोचना विष और राक्षसों को विनाश करती है। गौओं को ग्रास देने वाला स्वर्ग को प्राप्त होता है। जिसके घर में गौएं दुखित होकर निवास करती हैं, वो मनुष्य नरकगामी होता है। दूसरे की गाय को ग्रास देने वाला स्वर्ग को और गोहित में तत्पर ब्रह्मलोक को प्राप्त होता है। गोदान, गोमहात्म कीर्तन और गोरक्षण से मानव अपने कुल का उद्धार कर देता है। ये पृथ्वी गौओं के श्वास से पवित्र होती है। उनके स्पर्श से पापों का क्षय होता है। एक दिन गोमूत्र, गोमय, धृत, दूध, दधि और कुश का जल एवं एक दिन उपवास चांडाल को भी शुद्ध कर देता है। पूर्व काल में देवताओं ने भी समस्त पापों के विनाश के लिए इसका अनुष्ठान किया था। इनमें से प्रत्येक वस्तु का क्रमशः 3-3 दिन भक्षण करके रहा जाए तो उसे महाशांत पनव्रत कहते हैं। ये व्रत संपूर्ण कामनाओं को सिद्ध करने वाला और समस्त पापों का विनाश करने वाला है। केवल दूध पीकर 21 दिन रहने से कृच्छातिकृच्छ व्रत होता है। इसके अनुष्ठान से श्रेष्ठ मानव संपूर्ण अभीष्ट वस्तुओं को प्राप्त कर पाप मुक्त हो स्वर्गलोक में जाते हैं। 3 दिन गरम गोमूत्र, 3 दिन गरम धृत, 3 दिन गरम दूध और 3 दिन गरम वायु पीकर रहें, ये तप्त कृच्छ व्रत कहलाता है, जो समस्त पापों का प्रशमन करने वाला और ब्रह्मलोक की प्राप्ति कराने वाला है। यदि इन वस्तुओं को इसी क्रम से शीतल करके ग्रहण किया जाए तो ब्रह्मा जी के द्वारा कथित श्रितकृच्छ होता है, जो ब्रह्मलोक प्रद है। 1 मास तक गोव्रती होकर गोमूत्र से प्रतिदिन स्नान करें, गोरस से जीवन चलावें, गौओं का अनुगमन करें और गौओं के भोजन करने के बाद भोजन करें। इससे मनुष्य निष्पाप होकर गोलोक को प्राप्त करता है। गोमती के विद्या के जब से भी उत्तम गोलोक की प्राप्ति होती है। उस लोक में मानव विमान में अप्सराओं के द्वारा नृत्य गीत से सेवित होकर प्रमुदित होता है। गौएं सदा सुरभि रूपणी हैं। वे गुग्गुल के समान गंध से संयुक्त हैं। गौएं समस्त प्राणियों की प्रतिष्ठा है। गौएं परम मंगलमयी हैं। गौएं परम अन्न और देवताओं के लिए उत्तम भविष्य हैं। वे संपूर्ण प्राणियों को पवित्र करने वाले दुग्ध और गोमूत्र का वहन एवं शरण करती हैं और मंत्रपूत भविष्य से स्वर्ग में स्थित देवताओं को तृप्त करती हैं। ऋषियों के अग्निहोत्र में गौएं होम कार्य में प्रयुक्त होती हैं। गौएं संपूर्ण मनुष्यों के उत्तम शरण हैं। गौएं परम पवित्र, महामंगलमयी, स्वर्ग की सोपानभूत, धन्य और सनातन नित्य हैं। श्रीमती सुरभि पुत्री गौओं को नमस्कार है। ब्रह्मसुताओं को नमस्कार है। पवित्र गौओं को बारंबार नमस्कार है। ब्राह्मण और गौएं एक ही कुल की 2 शाखाएं हैं। एक के आश्रय में मंत्र की स्थिति है, दूसरी में हविष्य प्रतिष्ठित है। देवता, ब्राह्मण, गौ, साधु और साध्वी स्त्रियों के बल पर यह सारा संसार टिका हुआ है। इसी से वह परम पूजनीय है। गौएं जिस स्थान पर जल पीती हैं वो स्थान तीर्थ है। गंगा आदि पवित्र नदियाँ गो स्वरूपा ही हैं। सुश्रुत, मैंने ये गौओं के महात्मा का वर्णन किया, अब उनकी चिकित्सा सुनो। गौओं के श्रृंग रोगों में सोंठ, खरेटी और जटामांसी को सिलकर पीसकर उसमें मधु, सैंधव और तेल मिलाकर प्रयोग करें। सभी प्रकार के कर्ण रोगों में मंजिष्ठा, हींग और सैंधव डालकर सिद्ध किया हुआ तेल प्रयोग करना चाहिए तथा लहसुन के साथ पकाया हुआ तेल प्रयोग करना चाहिए। दंतशूल में बिल्वमूल, अपामार्ग, धान की पाटला और कुटज का लेप करें, वो शूलक नाशक है। दंतशूल का हरण करने वाले द्रव्यों और कूट को धृत में पकाकर देने से मुख रोगों का निवारण होता है। जिह्वा रोगों में सैंधव लवण प्रशस्त है। गलग्रह रोग में सोंठ, हल्दी, दारू हल्दी और त्रिफला विहित है। हदरोग, वस्ती रोग, वात रोग और क्षय रोग में गौओं को धृत मिश्रित त्रिफला का अनुपात प्रशस्त बताया गया है। अतिसार में हल्दी, दारू हल्दी और पाठा नेमुक दिलाना चाहिए। सभी प्रकार के कोष्ठगत रोगों में शाखा, पैर पुच्छादि गत रोगों में एवं कास, श्वास एवं अन्य साधारण रोगों में सोंठ, भारंगी देनी चाहिए। हड्डी आदि टूटने पर लवणयुक्त प्रियंगु का लेप करना चाहिए। तैल वात का हरण करता है। पित्त रोग में तेल में पकाई हुई मूलहटी
कफ रोग में मधु सहित त्रिकटु, सूंठ, मिर्च और पीपल तथा रक्त विकार में मजबूत नखों का भस्म हितकर है। भक्षत में तैल एवं धृत में पकाया हुआ हरताल दे, उड़द, तिल, गेहूं, दुग्ध, जल और धृत, इनका लवण युक्त पिंड गोवत्सों के लिए पुष्टिप्रद है। विषाणी बल प्रदान करने वाली है। ग्रह बाधा के विनाश के लिए धूप का प्रयोग करना चाहिए। देवदारु, वचा, जटामासी, गुग्गुल, हिंगू और सरसप, इनकी धूप गव्वों के ग्रह जनित रोगों का नाश करने में हितकर है। इस धूप से धूपित करके गव्वों के गले में घंटा बांधना चाहिए। असगंध और तिलों के साथ नवनीत का भक्षण कराने से गौ दुग्धवती हो जाती है। जो वृष घर में मदोन्मत्त हो जाता है उसके लिए हिंगू परम रसायन है। पंचमी तिथि को सदा शांति के निमित्त गोमय पर भगवान लक्ष्मी नारायण का पूजन करें, यह पर अशांति कही गई है। आश्विन के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को श्रीहरि का पूजन करें। श्री विष्णु, रुद्र, ब्रह्मा, सूर्य, अग्नि और लक्ष्मी का धृत से पूजन करें। दही भली भांति खाकर गो पूजन करके अग्नि की प्रदीक्षिणा करें। ग्रह के बहिर्भाग में गीत और वाद्य की ध्वनि के साथ वृषभ युद्ध का आयोजन करें। गवों को लवण और ब्राह्मणों को दक्षिणा दें। मकर संक्रांति आदि नैमित्तिक पर्वों पर भी लक्ष्मी सहित श्री विष्णु को भूमिस्थ कमल के मध्य में और पूर्व आदि दिशाओं में कमल के सर पर देवताओं की पूजा करें। कमल के बहिर्भाग में मंगलमय ब्रह्मा, सूर्य, बहुरूप, बलि, आकाश, विश्वरूप का तथा रिद्धि, सिद्धि, शांति और रोहिणी आदि दिग्धेनु, चंद्रमा और शिव का कृशर खींचड़ी से पूजन करें। दिक्पालों की कलशस्थ पद्मपत्र पर अर्चना करें, फिर अग्नि में सरसप, अक्षत, तंडुल और खैर वृक्ष की समिधाओं का हवन करें। ब्राह्मण को 100-100 भर सुवर्ण और कांस्य आदि धातु दान करें, फिर शिर संयुक्त गवों की पूजा करके उन्हें शांति के निमित्त छोड़ें। अग्निदेव कहते हैं, वशिष्ठ, शालिहोत्र ने सुश्रुत को अश्वायुर्वेद और पालकाव्य ने अंगराज को गवार युर्वेद का उपदेश किया था।